जो वहाँ का कॉन्सेप्ट है चंबल का, मतलब मध्य प्रदेश में जो डाकू जैसे यहाँ जो नक्सलाइट एरिया है ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। और अभिषेक सर ने मतलब देखा जाए तो एक एक सीन बहुत प्यारा मतलब शूट किए हैं, वहाँ का जो पहाड़ी है और भी मतलब लोकेशन जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और एक्टर्स की परफॉर्मेंस एक पे एक स्टार कास्ट है, सबकी अच्छी है। मनोज वाजपेयी जी तो अच्छा ही करते हैं, ठीक है, उनमें वो भी है, वो उनका नाम भी है सुपर एकदम। महेश बलराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है, महेश बलराज जो दाढ़ी रखे हुए हैं हल्के से टकले हैं। श्रीधर का भी काम अच्छा है और भूमि जी एकदम बिल्कुल उनको तो एकदम नेचुरल वहीं के लगते हैं। और वो जो लड़की है ना काली काली सी, वो पता नहीं कौन है, वो उसका नाम याद नहीं है, जो वो बनी थी फुलिया फूलन देवी का जो रोल किया है उसने बहुत कमाल का किया है। हाँ सुशांत सुशांत जी बहुत अच्छा किया, म्यूजिक अच्छा है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक जो वहाँ का है ठेठ जो होता ना पहाड़ी, वो बहुत कमाल का है। और लास्ट में 5 स्टार्स साढ़े चार पक्का। और अभिषेक सर को धन्यवाद, बहुत अच्छी फिल्म बनाए हैं, सब लोग देखिए मज़ा लीजिए, बहुत अच्छा है। चलिए अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। म्यूजिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? म्यूजिक भी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, एक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, डायरेक्टर तो वहीं। और अर्बन ऑडियंस है सर, स्टोरी गाँव का फॉलो करेगी, समझेगी, एंटरटेन होगी? सी स्टार्टिंग के जो 2-3 मिनट से आपको समझने में टाइम जाएगा, पर आप फिर समझने लग जाओगे, और नीचे इंग्लिश में भी सब कुछ लिखा आ रहा है तो कंफ्यूजन नहीं है, आप देख सकते हो। परफॉर्मेंसेस सुशांत एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब फैंटास्टिक, दे आर ट्रेमेंडस। और मनोज वाजपेयी सर है वन ऑफ द बेस्ट, सुशांत ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, आशुतोष राणा है, भूमि पटेल, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। इनफैक्ट जो छोटे मोटे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है अगर आप देखें तो। ये मूवी ऑडियंस को पसंद आने वाली है? ऑफ कोर्स आएगी, मुझे लगता है, मुझे पसंद आई। और इस मूवी के गाने के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? गाने कुछ खास नहीं है, स्टोरी अच्छी है, फिल्म अच्छी। पंजाब का डायरेक्टर है तो इनकी इस मूवी में वही आपको मिला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एक एक चीज़ काफ़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने दिखाया है, बहुत अच्छी है। ओवरऑल कितने स्टार्स हैं? 4 स्टार। थैंक यू, थैंक यू। अच्छी नहीं लगी, बकवास फिल्म है, कोई एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। वो 50 साल पुरानी जो स्टोरी है वो आज के ज़माने में टूट नहीं होती। हाँ बहुत स्लो मूवी है एकदम, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, गाने नहीं है, डायलॉग इतना कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं है। नहीं वो अच्छे एक्टर है लेकिन यहाँ पे तो वेस्ट हो गए। अच्छे वो टोली ऐसी फिल्म थी लेकिन बहुत अच्छी, उसमें एंटरटेनमेंट था ओवरऑल। कितना 1? काफ़ी अच्छी मूवी लगी मुझे। वैसे तो सबसे नंबर 1 जो आते हैं वो मैं एक्टर हूँ और मैं सीखता हूँ उनसे, मनोज वाजपेयी सर हैं और आशुतोष राणा सर हैं और सुशांत सिंह राजपूत भूमि पेडनेकर जो आज के ज़माने के एक्टर हैं, तो वो पहले के ज़माने के कैरेक्टर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत यूनिक कर रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक कर रहे हैं। अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज से काफ़ी ओरिजिनल लग रहा है जी, बिल्कुल नहीं, लैंग्वेज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी मतलब आज के ज़माने से मिल रही थी, पूरी प्रॉपर लैंग्वेज मुझे नहीं लग रही थी, कुछ बातें मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा था जो भी है। फिल्म के पेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किसकी गति फिल्म की जो है कहाँ गति यही है भाई, वो चंबल के ऊपर बेस्ड है, जो पहले के ज़माने में जो चंबल में होता था उसी का माहौल दिखाया कि क्या होता था, जो बागी लोग होते थे उनके आपस में क्या होता था। नहीं मुझे तो सही लगी, बट जो भी है सही है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा जो भी लोग हैं एक्टर परफॉर्मेंस वाली फिल्म जी बिल्कुल। ओवरऑल कितने स्टार्स देना चाहिए? 4 स्टार। थैंक यू जी, मेरे को बहुत अच्छी लगी ओवरऑल। एंटरटेनमेंट के हिसाब से बताएं, एंटरटेनमेंट अगर एंटरटेनमेंट देखा जाए, कमर्शियल मूवी नहीं है, आर्टिस्टिकली मूवी है, अगर आप अच्छे से देखें तो ये आर्ट के बेसिस से ये बहुत अच्छी मूवी है। परफॉर्मेंसेस इतने एक पे एक स्टार हैं इसमें, सब एक से एक हमारे एक्टर हैं जो भी हैं, सब मतलब मंडी हाउस और बाकी जो साथ वाले भी हैं सारे मंडी हाउस के मंझे एक्टर हैं। फिल्म मेरे को बहुत पसंद है। और डायलॉग्स को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आम जनता तक, स्पेशली अर्बन सिटीज़ के जो लोग हैं? हाँ अर्बन सिटी के लोग तक ये उतनी अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप से दिखाया गया है, वो गुजरों का जो लैंग्वेज है, तो ये रीजनल लैंग्वेज को जोड़ा गया है तो लोगों तक वो डायलॉग उतना अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन हाँ मोस्टली आजकल तो सब लोग इतना टीवी सिनेमा है तो लोग सीखते ही हैं, जानते ही हैं, तो ऑब्वियसली जाएगा ही। और इतने बड़े स्टार्स के बीच में सुशांत अपनी जगह बना पाए हैं क्या? सुशांत बिल्कुल बनाए, अब उनके साथ इतने बड़े स्टार मनोज वाजपेयी के साथ
जो मनोज वाजपेयी के खास आदमी होते हैं वो सुशांत सिंह राजपूत होते हैं, और दोनों ने एक्टिंग मतलब अपने तो मनोज वाजपेयी तो हैं ही सबसे बेस्ट, फिर सुशांत सिंह राजपूत अपने उन्होंने लास्ट तक जो खींचा है मूवी को बांध के रखा है मूवी को। फिल्म में कुछ ऑडियंस को देखनी चाहिए, मेरे को बिल्कुल देखनी चाहिए। फिल्म में कुछ मैसेज है? मैसेज यही है कि हम लाख कितना बुरा कर लें, लास्ट में हमें खुद अपने अंदर से ना दिल से आता है कि पश्चाताप करना चाहिए, इसका कुछ अच्छा काम करना चाहिए। बुरे काम करने के बाद भी एक अंदर से दिल होता है ना, कितना भी पत्थर दिल है वो मोम बनता ही बनता है। और भूमि जी के बारे में? भूमि जी भी मतलब जब से आए हैं उनका हर किरदार एक पे हर नया मतलब एक नया उनके लिए चैलेंजिंग रोल था ये, और बहुत अच्छा किया। म्यूज़िक पे कुछ कमेंट? म्यूज़िक कुछ खास तो है नहीं इसमें, बस एक सोन चिड़िया करके एक टाइटल सॉन्ग है, स्लो म्यूजिक है, और तो कुछ म्यूजिक में खास। ओवरऑल 5 में से कितने? 5 out of 4। थैंक यू सर।